हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 गणित का एनसीईआरटी प्रश्नावली का 2.4। तो इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने 2.4 में सेकेंड तक का क्वेश्चन देखा था और गुणनखंड प्रमेय आप लोगों ने जाना था, तो उसी का यूज करके अब ये थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि एक एक बात आसानी से समझ में आ सके। तो देखिए, थर्ड क्वेश्चन दिया है, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में एक्स माइनस वन पी एफ एक्स का एक गुणनखंड हो। तो इसमें बारी बारी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला नंबर दिया है पी एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। इसमें से हमको क्या करना है, ये कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए, ये जो के दिया है इसी का हमको मान निकालना है और कह रहा है कि एक्स माइनस वन इसका गुणनखंड है। तो आप लोगों ने गुणनखंड पर में पढ़ा था कि जब कोई भी ए वास्तविक संख्या के लिए, गुणनखंड प्रमेय में आप लोगों ने पढ़ा था कि किसी वास्तविक संख्या ए के लिए अगर कोई गुणनखंड दिया रहा है एक्स माइनस ए, यही देखिए, कोई गुणनखंड अगर दिया हो एक्स माइनस ए तो होता क्या है, पी एफ ए इक्वल जीरो होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए, जो गुणनखंड दिया है उसका चिन्ह बदल के माइनस ए है तो यहाँ देखिए प्लस ए रखा हुआ है इसी में बहुपद में, तो ये चिन्ह बदल के रखेंगे तो उसका मान क्या होता है, जीरो होता है, गुणनखंड प्रमेय ये कहता है। तो वही हम लोगों को देखना है, तो देखते हैं वहां से हम लोग के का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे एक्स माइनस वन पी एफ एक्स का गुणनखंड है। देखिए यहां दिया है एक्स माइनस वन जो है पी एफ एक्स का गुणनखंड है, तो लिखेंगे एक्स माइनस वन पी एफ एक्स का गुणनखंड है, इसलिए आप देखिए होगा क्या, ये माइनस वन है, देखिए तो चिन्ह बदल के एक्स माइनस ए जैसे गुणनखंड पर में कहता है तो एक्स माइनस वन है, माइनस वन का है तो हम लोग प्लस वन रख देंगे, अगर प्लस वन रहेगा तो माइनस वन रख देंगे इसी बहुपद में। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मान रखने पर बहुपद का मान हो जाएगा जीरो। तो लिखेंगे कैसे, एक्स माइनस वन पी एफ एक्स का अगर गुणनखंड है तो इसलिए क्या हो जाएगा, पी एफ वन इक्वल हो जाएगा जीरो, गुणनखंड पर में से यहां लिख देंगे गुणनखंड प्रमेय से। ये गुणनखंड प्रमेय से देखिए ये चिन्ह बदल देंगे, एक्स माइनस वन दिया है तो पी एफ एक्स के जगह पर क्या रखेंगे, माइनस वन दिया है तो प्लस वन, और ये किसके बराबर होता है, जब गुणनखंड दिया है तो जीरो के बराबर हो जाता है। पी एफ वन जो है उसका मान देखिए ये होता है, तो इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे पी एफ वन का मतलब, देखिए पी एफ वन यही है, एक्स के जगह पर हमको वन रख देना है तो वन का स्क्वायर होगा प्लस एक्स के जगह पर वन और प्लस के इक्वल हो जाएगा क्या, जीरो। यहां से हमको के का मान निकालना है तो एक का स्क्वायर एक ही होगा, फिर प्लस एक प्लस के बराबर जीरो, एक और एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा दो प्लस के बराबर जीरो। हमको के का मान निकालना है, दो को उधर भेज देंगे प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो के बराबर हो जाएगा माइनस दो, यही आंसर हो जाएगा। के का मान पूछा है, देखिए के का मान ज्ञात कीजिए, तो के का मान निकल गया, कुछ नहीं करना है,
ये जो गुणनखंड दिया होगा उसका चिन्ह बदल के इस बहुपद में रखेंगे, उसको जीरो के बराबर कर देंगे, एक्स एक्स जहां भी जो चर दिया होगा वहां वहां मान रख देंगे और के का वैल्यू निकाल लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, तो आप सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें भी क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स माइनस वन पी एफ एक्स का गुणनखंड है इसलिए गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से क्या होगा ये इसमें रख देंगे, पी एफ वन इक्वल जीरो हो जाएगा, माइनस वन है तो प्लस वन रखना है, पी एफ वन इक्वल जीरो हो जाएगा गुणनखंड प्रमेय से। और पी एफ वन का मान होगा ये, देखिए लिखते हैं टू इंटू एक्स के जगह पर हमको वन रखना है तो वन का स्क्वायर, फिर प्लस के इंटू एक्स के जगह पर वन और प्लस रूट टू और इक्वल जीरो, तो हो जाएगा टू इंटू वन का स्क्वायर वन प्लस के का वन में मल्टीप्लाई के प्लस रूट टू इक्वल जीरो। अब देखते हैं, देखिए टू का वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो टू प्लस के प्लस रूट टू इक्वल जीरो, के का वैल्यू निकालना है, ये दोनों प्लस में है उधर भेजेंगे माइनस में होगा, पक्षांतर करेंगे तो के इक्वल हो जाएगा माइनस टू माइनस रूट टू, यही आंसर लिख लेंगे, या यहाँ से कॉमन माइनस लेके टू प्लस रूट टू ये आंसर लिख सकते हैं, आंसर कुछ भी हो सकता है, कॉमन भी लेके लिख सकते हैं, लेकिन इतना सही है। थर्ड क्वेश्चन अब देख लेते हैं, ये भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, लिखेंगे एक्स माइनस वन पी एफ एक्स का गुणनखंड है इसलिए पी एफ वन इक्वल जीरो होगा, पी एफ वन का मान यहां आ जाएगा, पी एफ वन हो जाएगा के इंटू एक्स के जगह पर वन रखना है तो वन का स्क्वायर माइनस रूट टू इंटू वन और प्लस वन और इक्वल यहाँ जीरो है, तो देखिए के इंटू वन का स्क्वायर वन ही होगा, वन का के में मल्टीप्लाई के माइनस रूट टू का वन में मल्टीप्लाई रूट टू और यहाँ प्लस वन इक्वल जीरो। के का जब वैल्यू निकालेंगे तो ये दोनों पक्षांतर होगा, माइनस रूट टू इधर आएगा तो प्लस रूट टू और ये प्लस वन इधर आया तो माइनस वन, ये आंसर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए बिल्कुल सिंपल है, क्या करेंगे पहले लिखेंगे एक बार x माइनस वन पी एफ एक्स का गुणनखंड है क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दिया है, तो लिखेंगे फिर इसलिए पी एफ वन इक्वल हो जाएगा क्या जीरो, किससे यहाँ आगे लिख लेंगे गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से यहाँ लिख लेंगे गुणनखंड प्रमेय से पी एफ वन इक्वल जीरो होगा, यही माइनस वन प्लस वन करके रख देंगे तो, और पी एफ वन का वैल्यू यहाँ से लेंगे, ये पी एफ वन मतलब एक्स के जगह पर हमने वन रखा इसमें भी रख देंगे तो k इंटू वन का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन प्लस के इक्वल जीरो, सॉल्व कर लेते हैं, वन का स्क्वायर वन ही होगा, वन का k मल्टीप्लाई के माइनस थ्री का वन मल्टीप्लाई थ्री और प्लस k इक्वल जीरो, k का वैल्यू निकालना है, देखिए यहाँ भी k है और यहाँ भी k है, तो देखिए
1k जब दोनों प्लस में है तो ऐड कर देंगे 2k हो जाएगा और इक्वल -3 को इधर जब लाएंगे तो 0 का मतलब कुछ नहीं -3 इधर आया +3 k का वैल्यू निकालना 2 मल्टीप्लाई कर रहा है इधर डिवाइड करेगा तो k इक्वल हो जाएगा 3/2 ये आंसर हो जाएगा कुछ नहीं है बिल्कुल सिंपल है गुणनखंड प्रमेय का बस यूज कर देना है अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 तो हम लोग देखते हैं इसमें फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया है इसमें फोर्थ क्वेश्चन भी दिए हुए हैं तो बारी-बारी से हम लोग सबको सॉल्व करके देखेंगे दिया है गुणनखंड कीजिए गुणनखंड देखिए अब आप लोगों को 9th में कई तरह का गुणनखंड पढ़ना होगा तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है पहले इसको पहचानना तो अगर द्विघात बहुपद दिया होगा द्विघात बहुपद किसको कहते हैं जिसमें चर का अधिकतम घात 2 होगा उसको द्विघात बहुपद कहेंगे चर का अधिकतम घात देखिए 2 है यहां चर का घात 1 है अधिकतम वाला घात अगर 2 होगा तो द्विघात बहुपद होगा तो अगर द्विघात बहुपद दिया होगा तो इसका मध्य पद तोड़ के गुणनखंड कर लेंगे और त्रिघात बहुपद अगर दिया होगा तो आगे क्वेश्चन में उसको देखेंगे आप लोग उसका तरीका दूसरा होगा तो द्विघात बहुपद का गुणनखंड आप लोग क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं वही काम यहां भी सेम करना है तो देख लेते हैं सबसे पहले देखिए हम लोग ये गुणनखंड करने के लिए करते क्या हैं ये पहला और ये लास्ट वाला लिखते हैं देखिए कैसे पहले क्या करेंगे ये लिख लेंगे और यहां देखिए जो बीच वाला चिन्ह है चिन्ह भी लगाएंगे माइनस है तो माइनस और बीच वाले को नहीं लिखेंगे बीच वाले की जगह पर ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट के बाहर जो बीच वाला चर है इसको लिख लेंगे मतलब क्या करना है ये बीच का चर के जगह पर यहां ब्रैकेट लगाना है और लास्ट वाला भी लिख लेना है +1 दिया है तो +1 यहां लिख लेंगे पहला काम ये करेंगे अगर द्विघात बहुपद दिया होगा उसका गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे देखिए पहला हमने लिख लिया प्लस में 12x² है पहले प्लस नहीं लिखा रहता तब भी प्लस है लास्ट वाला हमने लिख लिया +1 बीच वाले को हमने क्या किया चिन्ह उसका माइनस लगा के और ब्रैकेट हमने लगाया और ब्रैकेट के बाहर बिना कोई चिन्ह लगाए गुणा में हमने चर को लिखा ये बीच वाला हमने अचर संख्या छोड़ दिया आप देखिए क्या करना है यहां से ध्यान देंगे अब हम लोग करते क्या हैं बीच वाले संख्या जो ये बीच वाले संख्या को लिखने के लिए ये जो 7 है ध्यान देंगे यहां जो दोनों बाहर वाले संख्या हैं मतलब दोनों ये 12 बाहर में है और इधर बाहर में 1 है ध्यान देंगे इस 12 और 1 का गुणा करेंगे किनारे 12 × 1 जब करेंगे तो 12 ही होगा ध्यान देंगे ये गुणा दोनों बगल वाले संख्या का करेंगे तो हो गया क्या 12 चिन्ह भी गुणा करेंगे देखिए ये भी प्लस है ये भी प्लस है इसलिए ये प्लस में 12 है ध्यान देंगे अब बीच वाला क्या है कि 7 है ये देखिए बीच वाला 7 है 7 भी हम लोग यहां ले लेंगे चिन्ह नहीं ध्यान देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है तो देखिए ये बगल वाले संख्याओं का हमने गुणा कर लिया तो आया 12 और बीच वाला है 7 अब हमको दो संख्या अपने तरफ से ऐसा सोचना है दो संख्या कि उस दोनों का गुणा करने पर 12 हो देखिए ये बगल वाला गुणा करने पर 12 हो रहा तो दोनों संख्याओं का गुणा करने पर 12 हो और जोड़ने या घटाने पर दोनों संख्याओं का उसी दोनों का 7 हो ऐसा संख्या सोचना है जिस दोनों संख्या का गुणा करने पर 12 हो जोड़ने या घटाने पर 7 हो तो ऐसा संख्या देखिए होगा 4 और +3 4 का 3 में गुणा 12 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 यही दोनों सम को मतलब है ये दोनों यहां लिख देंगे देखिए 4 प्लस 3 ये यहां से हटा लेंगे अब देखिए अगला काम कुछ नहीं करना है ये ऐसे लिख लेंगे ये माइनस है देखिए और ये x है दोनों का
इस दोनों संख्या में गुणा कर देंगे। चिन्ह का भी देखिए गुणा होगा दोनों में, और ये एक्स है इसका भी दोनों में, तो देखिए माइनस चार का प्लस चार में गुणा होगा, मतलब माइनस का तो माइनस प्लस, माइनस चार और एक्स का भी गुणा कर लेंगे तो चार एक्स हो गया, माइनस और प्लस का गुणा माइनस, तीन का एक्स में गुणा कर लेंगे तीन एक्स हो गया और प्लस एक। अब देखिए जो बहुपद पहले तीन पद में था, अब एक दो तीन चार पद में हो गया, कुछ नहीं करना है यहाँ से। इस दोनों संख्याओं में कॉमन देखेंगे, कॉमन का मतलब होता है ऐसा संख्या जो दोनों में रहे, और इसमें देखते हैं कॉमन, यही काम होता है। तो देखिए 12x स्क्वायर 4x, इस दोनों में 4 का कॉमन है, कॉमन का मतलब 4 है, तो इसमें भी देखते हैं गुणा के रूप में 4 है कि नहीं। तो देखिए 4 तीन 12, 4 गुणे 3 होता है, तो 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी, यह गुणा में और x यहाँ x यहाँ, तो हम लोग 4 और x दोनों कॉमन है, कॉमन बाहर लेते हैं, बाकी को ब्रैकेट में लिखेंगे इस दोनों में। देखिए 4 हमने कॉमन लिया तो 4 तीन 12 3 बचा, और एक x हमने बाहर लिया तो एक x बचा, यहाँ लिख लेंगे जो बचा है। फिर माइनस 4x यहाँ से हमने लिया तो यहाँ कुछ नहीं, जब बचा तो एक लिखते हैं। अब देखिए इस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ भी कॉमन नहीं दिखे तो एक हमेशा रहता है, एक लेते हैं कॉमन, और इस ब्रैकेट में जो संख्या आया है यही संख्या दूसरे ब्रैकेट में भी आना चाहिए, चिन्ह भी वही होना चाहिए। तो देखिए यहाँ प्लस है, हमको यहाँ माइनस करना है, ध्यान दीजिए, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, और कुछ कॉमन नहीं है तो एक ले लेंगे। जब यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं तो ये चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस 3x यहाँ बचेगा और ये माइनस 1 बचेगा। माइनस दोनों में कॉमन लेते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, मतलब माइनस का प्लस और प्लस का माइनस होता है, लेकिन अगर प्लस कॉमन लेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेगा, वही रहेगा। तो ध्यान देंगे हमको यहाँ ब्रैकेट वाला सेम लाना है, अगर सेम नहीं आएगा तो समझ जाएंगे हमारा गुणनखंड गलत हो रहा है कहीं। अब देखिए क्या करते हैं, 3x-1 दो ब्रैकेट में है, फिर से कॉमन ले लेंगे, 3x-1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे 4x और यहाँ जो बचा है माइनस 1, यही आंसर हो गया, हमारा गुणनखंड हो गया। तो इस तरह से गुणनखंड करना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसका भी अभी आप लोग आगे समझ जाएंगे धीरे धीरे, इसका भी देखिए इसी तरह गुणनखंड करना है। पहले ये पहला वाला लिख लेंगे और ये चिन्ह लगाएंगे, बीच वाले के लिए ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट के बाहर एक्स को लिखेंगे और ये लास्ट वाला प्लस 3। अब हमने बताया था क्या करना है, बगल वाले दोनों संख्याओं का जो अचर है गुणा कर लेंगे, 2 और 3 का गुणा 6 आया, और यहाँ बीच में क्या है 7 है, तो जो गुणा करने पर हो रहा है 2 गुणे 3 ये 6 आया है। अब हमको ऐसा दो संख्या लेना है कि गुणा करने पर 6 ही आए, जो गुणा करने पर आ रहा है लेकिन जोड़ने चाहे घटाने पर 7 आया, तो कौन सा ऐसा संख्या होगा। तो हम लोग जानते हैं 6 और 1 होगा, 6 और 1 जोड़ेंगे तो 7 और 6 1 का गुणा करेंगे तो 6 ही होगा, तो हमको 6 और 1 मिल गया, यही लेके सॉल्व कर देंगे। अब देखिए कैसे लिखते हैं, इसको लिखेंगे चिन्ह का गुणा करेंगे, सब प्लस है तो प्लस ही रहेगा, एक्स का गुणा हो जाएगा, 6 में x का होगा 6x प्लस 1 का x में होगा 1x प्लस 3, 4 पद जब हो गया तो 2 2 में, इस दोनों में कॉमन, इस दोनों में कॉमन लेते हैं, तो देखिए 2 6 में भी 2 होता है, 2 × 3 2 का 3 में गुणा करते हैं तो 6, 2 2 दोनों कॉमन है तो 2 और x भी कॉमन होगा, तो यहाँ बच जाएगा x प्लस यहाँ बच जाएगा 3 और प्लस यहाँ, इस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, एक कॉमन लेंगे तो यहाँ x रहेगा और प्लस यहाँ 3 रहेगा, दोनों ब्रैकेट में सेम आएगा, एक ब्रैकेट में लिखेंगे कॉमन हो जाएगा x प्लस 3, दूसरे ब्रैकेट में 2x और प्लस 1 लिखेंगे, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है ये क्वेश्चन, इसमें भी देखिए क्या करना है, इसका और इसका पहले लिख लेंगे इस दोनों को, 6x स्क्वायर प्लस बीच वाले के लिए ऐसे खाली जगह बनाएंगे x लिखेंगे,
और -6। अब देखिए ये दोनों बाहर वाले संख्याओं का गुणा करेंगे 6 और 6 का तो आएगा 6 गुणे 6 जब करेंगे तो आएगा 36। ये गुणा करने पर 36, तो हमको ऐसा दो संख्या चुनना है जिसका गुणा करने पर 36 हो और बीच में है 5 और जोड़ने चाहे घटाने पर, कोई जरूरी नहीं है केवल जोड़ने पर ही, घटाने पर भी, चाहे जोड़ने चाहे घटाने पर 5 आना चाहिए। दो संख्या ऐसा लेना है जिसका गुणा करने पर 36 और जोड़ने या घटाने पर 5 आए, तो दो संख्या ऐसा आप लोग चुनेंगे। तो 9 और 4 होगा, देखिए 9 में 4 का गुणा करेंगे 36 और 9 में 4 घटाएंगे तो 5, तो यहां लिखेंगे 9 - 4, ये बीच वाला होना चाहिए, 9 में 4 जाएगा 5 और 9 का 4 में गुणा करेंगे तो 36। अब देखिए ये लिखेंगे, फिर ये गुणा कर लेना है चिन्ह का भी और इसका भी, तो प्लस का गुणा 9 और x में होगा तो प्लस 9x और प्लस माइनस का गुणा माइनस 4 का x में 4x माइनस 6, दो दो संख्या में कॉमन लेंगे। देखिए 3 3 दोनों में कॉमन होगा क्योंकि 3 2 6 और 3 3 9, तो 3 और x भी या दोनों में, तो x कॉमन होगा, यहाँ बचेगा 2 और x और प्लस, यहाँ से 3 हमने ले लिया, x भी ले लिया हमने, तो केवल 3 बचा। फिर प्लस यहाँ देखिए दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे और 2 2 दोनों में होगा, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x और यहाँ प्लस माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस यहाँ 3। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट में सेम ही आना चाहिए, तो हमने फिर कॉमन लिया तो 2x + 3 एक ही लिखेंगे और एक ब्रैकेट में लिख देंगे ये 3x और ये मिला के -2, यही आंसर हो जाएगा। देखिए फिर ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए पहले ये लिख लेंगे फिर माइनस, यहाँ देखिए कुछ नहीं है, मतलब एक हमेशा यहाँ रहता है, एक ध्यान देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और x को बाहर लिखेंगे और -4। अब देखिए गुणा करने पर इसका इसका बाहर वाले का 3 और 4 का जब गुणा करेंगे तो आएगा 12, तो दो संख्या ऐसा लेना है जिसका गुणा करने पर 12 हो, बीच में 1 है और जोड़ने या घटाने पर 1 हो, तो दो संख्या ऐसा क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं 4 - 3, 4 में 3 घटाएंगे तो 1 होगा बीच वाला और 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 12, तो यहाँ लिखेंगे 4 - 3। अब देखिए ये लिख लेते हैं, यहाँ गुणा होगा तो माइनस प्लस का गुणा -4 और एक्स का भी हो जाएगा और -, -+3 का एक्स में हो जाएगा और -4। फिर दो दो संख्या में कॉमन देख लेते हैं, तो देखिए एक्स और एक्स में एक्स ही कॉमन होगा, 3 4 में कुछ कॉमन है नहीं, तो यहाँ बच जाएगा 3 और एक एक्स हमने ले लिया तो 1x माइनस, यहाँ से हमने एक्स कॉमन लिया तो बचा 4। फिर प्लस इस दोनों में देखिए कोई कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे, यहाँ वही रहेगा 3x माइनस और यहाँ वही रहेगा 4। कॉमन हमेशा गुणा के रूप में लेते हैं, जोड़ और घटाना में ध्यान देंगे, तो ये देखिए सेम ब्रैकेट में है, तो एक ब्रैकेट में हम लोग 3x - 4 को लिखेंगे, दोनों है तो एक ही, और एक ब्रैकेट में इसको कर लेंगे x + 1, ये आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, जहाँ कहीं दिक्कत हो आप लोगों को उसको आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस गुणनखंड को और डिटेल में देखना चाहते हैं तो मेरा क्लास एट वाला वीडियो देख सकते हैं, एक्सरसाइज 5, उसमें आप लोगों को डिटेल में ये गुणनखंड मिलेगा। वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखा करना, अब अगला क्वेश्चन अगले पार्ट में आप लोग कल देखेंगे। फिर एक बात आप लोगों को और बताना है कि ये कोरोना महामारी की वजह से आप लोगों का कोर्स 9, 10, 11 और 12 का जो कोर्स है उसको 30% कम किया गया है, कुछ चैप्टर में से कुछ क्वेश्चन काट दिए गए हैं, कुछ टॉपिक्स को काट दिया गया है, कम ही आप लोगों को पढ़ना है, 70% कोर्स दिया गया है, तो उसको भी आप लोग ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, उसको आप लोग लोड कर सकते हैं, ये वेबसाइट है
upmsp.nic.in। इस पर आप लोग गूगल में सर्च करके अपना जो नया कोर्स आया हुआ है 70% काट के उसको आप लोग यहां से लोड भी कर सकते हैं और आसानी से पढ़ सकते हैं। पूरा किताब आप लोगों को इस साल नहीं पढ़ना है, कुछ कोर्स कम किया गया है तो उसको आप लोग ध्यान जरूर देंगे। आज के लिए बस इतना ही।